कनाडा में एक यूनिक चीज है, मतलब जो मेरे को लगती है जो इंडिया में नहीं है, जो है हाईवेज पे ऐसे है कि एक फास्ट लेन करके होता है और एक नॉर्मल लेन होता है. फास्ट लेन इज बेसिकली अगर आप इफ यू आर मोर देन वन पर्सन लाइक इन द कार यू कैन यूज दिस फास्ट लेन. अभी लिटरली हम जा रहे हैं फास्ट लेन में और राइट में पूरा ट्रैफिक है. सो दैट्स द एडवांटेज दैट वी हैव. व्हाट डू यू लाइक अबाउट नायग्रा फॉल्स? लाइक व्हाट आर द टॉप 3 थिंग्स दैट यू वुड वांट टू गो टू? 3 थिंग्स. आई हैव नॉट बीन एबल टू फ्रेम इट प्रॉपर्ली. इट्स बेसिकली आई मीन 3 थिंग्स दैट यू लुक फॉरवर्ड टू व्हेन यू आर गोइंग टू नायग्रा फॉल्स. ओके, माय सिस्टर. अरे अरे, तू एकदम इमोशनल लग भी दे रही है. I look forward to meeting her. She's in Niagara Falls. अरे भाई, person की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे मतलब things, activities, active. She's not a thing. She's a person. देना gems. दाने दाने में क्यों दे रही है? बहुत लंबा रास्ता है अपने उठाने के लिए. बॉम्बे से अपन तो मुझे जल्दी देख के अच्छा लगता है. Niagara Falls में इतनी. टोरंटो में भी है यार. पर हाँ, तो मुझे तो लोग मुझे इन जनरल ऐसे गर्दी वाली जगह जाके एकदम इंडिया वाली फील आती है. सो दैट आई लाइक वॉचिंग द वाटरफॉल लिटरली. थर्ड चीज अभी समझ नहीं आ रही. मैं तो वही बोल सुशी वाली जगह बेस्ट है. सुशी वाली जगह जो तेरे को दैट इज कंसीडर्ड टू बी बेस्ट सुशी, ऑल यू कैन ईट सुशी प्लेस 100% एज पर मी. एज पर मी टू, टू बी ऑनेस्ट, उसका खाना तो अच्छा ही है, प्लस फैंसी है, प्लस ऑल यू कैन ईट है. व्हाट एल्स डू यू वांट? मजा ही नहीं आ रहा गाड़ी चलाने में. सॉरी यार, हाथ दुख गया तेरा. हाँ मैडम, आपको बाजू में बैठ बैठ के थकावट हो रही है? मजा ही नहीं आ रहा गाड़ी चलाने में. तेरे को क्या, तेरे को बैठ के मस्त आराम से बाहर देखना है. तेरे को बाहर देखना. अच्छा, स्पीड में बाहर नहीं देख पा रही है ऐसा कुछ? पीछे वाली लड़की नॉर्मल कपड़े. अच्छा, पीछे वाली ना? नहीं रे, इससे पहना था. पूरा समर हमने कुछ नहीं किया. आज से मतलब लिटरली लास्ट वीक से ठंडी चालू हुआ है और हमें शॉपिंग करने निकल. पता नहीं क्यों क्यों कर रहे बेबी ऐसा. क्या आई आई शॉपिंग ही कर रहे हैं क्योंकि बाहर इतना ठंडी है. बट एक बार शॉपिंग चालू हो जाए तो आई थिंक शॉपिंग कितना भी करो कमी लगता है. मैडम देखो, अच्छा लग रहा है लेकिन. हाँ, क्योंकि तूने अंदर ही मतलब ये तूने बेबी एक दो दो लेयर तो पहना है ऐसे. अच्छा लग रहा है. नॉट बैड. यस, शॉपिंग चल ही रहा है बेबी. इतना अगर सिर्फ शॉपिंग करते रहेंगे तो बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे. तो अभी निकलने का टाइम आ चुका है. पूजा का एक सीन है. मैं जब भी हम लोग मतलब जब भी कुछ भी सामान लेने को आते हैं तो वो लिटरली मैं अभी चेकआउट काउंटर के इधर खड़ा हूँ बट एंड मोमेंट पे उसको कुछ ना कुछ याद आता है कि अरे हाँ मैं ये लेती हूँ वो लेती हूँ और कुछ चली जाती है. और फिर मैं पागल जैसे ऐसे ही वेट करता हूँ, सबको पीछे वाले को आगे जाने बोलता हूँ, फिर उसका वेट करते रहता हूँ. मैं लिटरली इधर चेकआउट काउंटर में हूँ और ये तो कुछ ना कुछ ढूंढने का. देखा अभी आ रही हो, आ रही हाँ बेब डन. देखा कुछ भी लेने का पर टाइम वेस्ट कराना है. बेबी आई मीन ऑनेस्टली अगर ये पूरा दुकान ठंडी के अंडर है तो ये जैकेट सही है ना? हाँ तो चल, इतना ना सोच, चली जा.
Okay, shopping done. Next stop, all you can eat sushi. मैडम को ऑयस्टर्स बहुत पसंद है बट ऑयस्टर्स अनअवेलेबल है। ठीक है, तेरे को ये जगह कितना पसंद है? बहुत, मैं बता नहीं सकती, मुझे कुछ कुछ हो रहा है। इट्स बेसिकली टैब है ये पूरा। ये टैब में पूरा मेन्यू है। मेन्यू के हिसाब से तुम जो भी ऑर्डर करना करो और फिर कॉल सर्व करो। हाँ, छोटे छोटे पोर्शन, अभी पोर्शन आएगा दिखाऊंगा, बट काफ़ी एक से एक आते हैं, बहुत डिलीशियस होता है। लेकिन एक्साइटेड। चिकन मोमो, गार्लिक श्रिंप, गार्लिक श्रिंप दो कर, एक और कर, एक आती है पता नहीं कितना आता है, पता आता है। सब मैं एक मंगा रही हूँ क्योंकि पता है लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, राइट? हाँ ठीक है, बस अभी इतना ज़्यादा मत मंगा। नो नो नो, इट्स फाइन, आई विल गो देयर एंड टेक इट। या आई विल डू इट बिकॉज़ आई वांट टू शूट। If the robot actually can come here, that'll be nicer because he's so cute. Yeah, look at that. Oh, this here? Sure? Perfect. Yes. Oh, looks good. Perfect. So, can I make just one request? Can I get a fork? Thank you. Sure. यहाँ पे जापानीज प्लेस आके फोक पे खाती है, डिसरिस्पेक्ट लगता है मेरे को, एकदम डिसरिस्पेक्ट। चल ट्राई कर एक बार, चल फोक क्या ट्राई करो। हाँ खाती है बच्चे को, हाँ मतलब थोड़ा दे ले। हाँ स्ट्रगल ना, ऐसा लगता है खाने का मन कर रहा है बट नहीं खा पा रही। वो इतना अच्छा खाना है ना यार, मतलब प्रॉपर क्वालिटी फूड है, क्वालिटी फूड। सैल्मन का पूरा रोल, मतलब सिर्फ सैल्मन का रोल बनाया, मतलब विद क्रैब, क्रेजी है। चेयर्स। एक क्यूट एकदम। मस्त, इतना खाया, इतना खाया, बहुत मज़ा आ गया, है ना बेबी? आया मज़ा? एक टिप है, एज इट्स ऑल यू कैन ईट सुशी, मतलब यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी ऑर्डर करते हो पूरा एक साथ ज़्यादा ऑर्डर ना कर लो, थोड़ा थोड़ा पोर्शन में ऑर्डर करो ताकि आपको जो भी अच्छा लग रहा है उसके हिसाब से आप ऑर्डर कर सकते हो। मेक श्योर, अभी आ गया डिजर्ट टाइम। दो क्रेम रोल, एक फ्रूट मिक्स, वनीला और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम एंड मैंगो चीज। ओके, लेट्स टेक अ छोटा ब्रेक। क्या? लेट्स टेक अ छोटा ब्रेक। लेट्स टेक अ छोटा ब्रेक। मेरे को लगा किटकैट की बात करें, किटकैट तो नहीं मंगाया हमने, गलती से ये खा लिया था, वसाबी साथ में। ग्रेट फूड। और डिजर्ट में क्या मंगाएगी, तेरा फेवरेट है? सर, इन द होल मेन्यू क्रेम रोल है। पूरे डिजर्ट के इसमें से स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी मेरे को बहुत पसंद आया और क्रेम रोल भी। नो सॉरी, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम से ज़्यादा तो मेरे को मैंगो चीज़ केक ज़्यादा पसंद है, एंड देन ऑफकोर्स द क्रेम रोल, इट्स अमेजिंग। फूड ब्लॉगर बन सकते हैं, क्यों नहीं, कभी सोचा कि अपन खाते तो है, फूड ब्लॉगर बनना चाहिए क्या? इधर उधर जाओ, खाना खाते रहो और रिव्यू करो, मेरा आगे बुला के ऐसा। डिजर्ट के बाद अब टाइम है नायग्रा फॉल्स का। अभी एक तो हैलोवीन सीजन चालू हो गया, तो लिटरली पूरा हैलोवीन का हैलोवीन है, पर इट्स क्रेजी। भाई साहब बट हैलोवीन तो समझ के ले सकते ना? नहीं नहीं, तू है उसके लिए समझ के ले। अभी खत्म हुआ है ईस्ट, अभी 10 बजे का फायरवर्क्स है नायग्रा फॉल्स में, दिखाना है। लिटरली वी आर लाइक 5 मिनट्स फ्रॉम योर, नाउ वी हैव टू एक्चुअली रन एंड रीच ऑन टाइम। हाँ गो से अभी, नॉट रन इफ यू नो व्हाट आई मीन। ओके, सी यू। नहीं नहीं, अरे गाड़ी में बैठा अपने को, रियली नहीं देख के नहीं आना है कि पानी तो देख के आएंगे ना यार, ब्रो कम ऑन, भाई क्या है, फटफट जाके देख के आता मैं तो बोलता हूँ। चल बेबी नायग्रा फॉल्स देखते हैं। मैं क्या कर, मेरा इतना गंदा शक्ल देखा ना, मैं ऐसी थी।
ये US का है नायग्रा फॉल्स और वो है अपना कनाडा का। ऐसा नायग्रा फॉल्स का क्लोजअप लुक देख सकते हैं। मैं अभी प्रिटेंड कर रहा था कि मैं देख रहा था बट क्या पैसा डालना पड़ता है। जो ऊपर क्यों खड़ी हुई है? अरे मेरी जान, नीचे से खड़े देखे भी देख सकती है वो, बच्चे लोग के लिए अगर नहीं देख सकती। ये ज़िपलाइन है, ज़िपलाइन यहाँ से पूरा ये पूरा जाता है मस्त वहाँ तक। ये सुबह दिखाएगा तो और अच्छा लगेगा एक्चुअली, है ना? ज़िपलाइन तब करेंगे जब थोड़ा नॉर्मल डे थी, ठंडी ना हो। हाँ ठंडी है तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा, हवा से मतलब थोड़ा हालत थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। उससे बेटर है कि मस्त समर के टाइम पे आओ और काफ़ी भीड़ भी होता है समर के टाइम पे, मस्त अच्छा खासा ज़िपलाइन के लिए। ओ यार मस्त हो गया, ये अच्छा दिख रहा है फॉर सम रीजन क्योंकि कलर्स इतने अच्छे। अरे वो भी चेंज हुआ, अपना कनाडा का भी चेंज हुआ है। लिटरली US और कनाडा के बीच में एक ब्रिज का फासला है उधर, दैट्स एग्जैक्टली वेयर द बॉर्डर इज। तो यहाँ से पूरा कनाडा से आप US जा सकते हैं और यहाँ से कनाडा आ सकते हैं, वहाँ पे प्रॉपर इमिग्रेशन और वो सब होता है इधर। इफ़ यू आर अ कनेडियन आपको तो मतलब आप इजीली 6 months तक रह सकते हो, एंड इफ़ यू आर एन अमेरिकन यू कैन स्टे इन कनाडा फॉर 6 months। मैडम को कॉफ़ी पीने का है और ये लॉक्ड है मतलब बंद हो गया। आई शाबाश। सो आज का दिन खत्म हो चुका है बट ऑब्वियसली इट डजंट एंड बिकॉज़ वी आर इन कनाडा एंड वी नीड टू हैव आवर टिप्स। हाय, कैन आई गेट अ फ्रेंच वैनिला लार्ज प्लीज? दैट्स इट। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, थोड़ा सा शॉपिंग, थोड़ा सा अमेजिंग सा खाना और थोड़ा सा अमेजिंग सा व्यू एंड एन अमेजिंग कंपनी। सो आई विल सी यू व्हेन आई सी यू, बाय। Take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life.